सिंगरौली पुलिस अधीक्षक अभिजीत रंजन के निर्देशन पर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत मोरवा पुलिस ने कार्यवाही करते हुए धारदार हथियार के साथ एक को पकड़ा। वहीं क्षेत्र की शांति व्यवस्था भंग करते एक युवक पर भी कार्यवाही की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कस्बा भ्रमण के दौरान पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि मोरवा बाजार के समीप एक व्यक्ति धारदार हथियार के दम पर लोगों के मन में दहशत का माहौल बना रहा है, जिसके बाद मोरवा निरीक्षक नागेंद्र सिंह के निर्देशन पर पहुंचे पुलिस बल ने बताए गए स्थान से धारदार हथियार के साथ आरोपी गोपी यादव पिता जीवन यादव उम्र 23 वर्ष निवासी SB 58 NCL कॉलोनी को धर दबोचा। उक्त आरोपी पर 25B आर्म्स एक्ट की कार्यवाही की गई। आज थाना में सूचना जो प्राप्त हुई थी कि मोरवा बाजार में गोपी यादव नामक एक व्यक्ति बका लेकर के और लोगों को धमका रहा है, हो सकता है कि कोई जघन्य वारदात न करते। वो सूचना पर थाना मोरवा से उप निरीक्षक शीतला यादव, प्रधान आरक्षक अशोक सिंह, अजय पांडे, आरक्षक सुनील मिश्रा, सुबोध सिंह तोमर को भेजा गया था। जिन लोगों द्वारा उस आरोपी को जो पकड़ा गया उसके कब्जे से बका जब्त किया गया और जिसमें थाना मोरवा में 25A आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई हुई, आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायालय भेजा गया।